अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। हमने इससे पूर्व के एपिसोड में नेत्र रोग के विषय में बात की थी, नेत्र रोग के विषय में चर्चा की थी कि आयुर्वेद की दृष्टि से नेत्र रोग क्या है, वह कितने प्रकार का है। आज हम इसी क्रम में आगे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नेत्र रोग के कौन कौन से योग हैं, वह ज्योतिष के आधार पर जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे नेत्र रोग का पता चलता है और उसके कौन कौन से योग होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सर्वप्रथम जातक ग्रंथों में जो रोग योग बताए गए हैं, कहा गया है कि विकलक्षणोर्क लगने तिमिर को अजय चवे रात्यंध बुध बुध दृष्टि ही करकणी काणो व्ययगई शशांक गई व तथा च। यदि जातक की लग्न कुंडली में लग्न स्थान यानी प्रथम स्थान में सूर्य स्थित हो तो वह व्यक्ति विकल विकृतिमयी नेत्रों से ग्रसित रहता है। यदि मेष राशि का सूर्य लग्न स्थान में स्थित हो तो तिमिर दृष्ट मान्द्यादि लग्नांश का है यानी रात्रांध इत्यादि उसको हो सकता है। यदि सिंह राशि में सूर्य स्थित हो तब भी रतौंधी उसको हो सकती है, और इसी क्रम में यदि कर्क राशि का सूर्य हो तो बुध बुध दृष्टि ही बबल्स आइज जिसको कहते हैं वो होता है। इसी प्रकार अगर द्वादश में सूर्य हो या चंद्र स्थित हो तो उसको काण दृष्टि व एकाक्षी यानी एक नेत्र विकल होता है। निपबंधन संतप्तो मार्गरतो युवती विद्वेषणो विकल नयनो अष्टमस्ते सुरभ्वीनो अल्पजीविता पुरुषः। यदि जातक की लग्न कुंडली में अष्टम स्थान में सूर्य हो तो वह व्यक्ति राजकीय कारणों से बंधन व हमेशा डरा हुआ और एक स्थान पर रुक नहीं पाता, वह जगह जगह भ्रमण करता है। ये योग इस प्रकार से है, विकल विकृतिमय नेत्र, नेत्रों से विकलता, नेत्रों में विकलता कब आती है? सुख और धन से हीन मनुष्य अल्पायु इत्यादि होता है जब ये योग होता है। नयनातुरह कुलीना सुभगो वात्सल्य संयुतो मनुजः वक्र गुरु दिवसनयो रतस्ते स्याद् विभव संपने। यदि लग्न स्थान अथवा अष्टम स्थान या लग्न में गुरु बुध और सूर्य की स्थिति हो अर्थात सूर्य या गुरु मंगल की युति हो तो जातक नेत्र व्याधियों से ग्रसित रहता है। जातक कुलीन भाग्यवान, बाल बच्चों से प्रेम करने वाला और वैभव संपन्न भी होता है। आगे इसी क्रम में अथार के लग्नस्थे विकल नयनो मेषस्थे सूर्य तिमिर दृष्टि स्वरासो रात्यंध कर्कटस्थे बुध बुध दृष्टि व्ययगे शशांगवे काण। इस प्रकार से जातक शास्त्र में अनेक योग दिए गए हैं जिससे नेत्र में विकलता आती है। आप जानते ही होंगे कि नेत्रों का जो कारक ग्रह है वो सूर्य और चंद्र है। सूर्य चंद्र यदि विकृतिमय होते हैं, ग्रह अस्त होते हैं, हीन होते हैं, बलहीन होते हैं तो तब नेत्रों में विकृति उत्पन्न होती है, और लग्न से द्वितीय और द्वादश स्थान से भी नेत्रों का विचार किया जाता है। उपर्युक्त जो अभी हमने बताया सूर्य चंद्र एवं गुरु मंगलादि ग्रह की प्रतिप्राप्त करने के लिए पूर्वोक्त समन विधियों का विधान आयोजन करना चाहिए, जो हमने पूर्व में पिछले उसमें बात करी थी। द्वादश स्थान में चंद्रमा के रहने पर कानापन काणत्व हो जाता है, उसकी शांति के लिए तथा चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ग्रह शांति विधानों का शास्त्रों में वर्णन आता है। गुरु बुध तथा सूर्य के संयोग से होने पर भी पूर्वोक्त जो है ग्रह शांति का क्रम बताया गया है। आचार्य मुकुंद देवज्ञ के कथनानुसार उत्कृष्ट नेत्र किस प्रकार हैं, वो कहते हैं वामम व्ययगौ दक्षिणमर्थ भावो विलोचने काल नरस्य वेद्ये नेत्रो सरस्सौम्ये किं तद् गृहे से पुण्ये समेते सबले सुबानाम संबंधके शोभन भाग्य याते चेत्कारके कल्पपतीक्षदाये भावो विशेषात् विशाल दृष्टि युते क्षितेद्ये विपरीतमह्यम
काल पुरुष का द्वितीय स्थान दक्षिण नेत्र और द्वादश स्थान वाम नेत्र समझना चाहिए। यदि ये दोनों स्थान शुभ ग्रहों से युक्त अथवा बलवान हो अथवा शुभ ग्रहों से संबंध स्थापित करते हो या लगने से दृष्ट हो या युत हो तो जातक उत्कृष्ट यानी विशाल नेत्रों से युक्त होता है। यदि उपयुक्त स्थिति में विपरीतता पाई जाती है तो नेत्र रोग या छोटे बदसूरत नेत्र होते हैं। बुध बुध नेत्रों के भी इसी प्रकार से योग हैं। नेत्राद्वय पाप युते च पापाक्रांतो, अगर दोनों स्थान पापाक्रांत हैं पापक ग्रह वहाँ हैं तो बुध बुध लोचन योग कहते हैं। बुध बुध कहते हैं जिसकी आंखें बाहर की तरफ आई हुई रहती है। द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान में यदि पापक ग्रह हो, दोनों स्थानों के स्वामी किन्हीं पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ये नेत्र गोलक जो है बाहर की ओर निकलते हुए आते हैं, जिसको बबल साइज कहते हैं, यानी बबलसता होती है। लग्न में सूर्य और चंद्रमा युक्त हो, वह पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो भी बुध बुध नेत्रता उत्पन्न होती है। लग्न स्थान में कर्क राशि का सूर्य हो अथवा सिंह राशि का चंद्र हो एवं सूर्य से युत हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। यही बात जातक तत्वाकार ने भी कही है। इंद्वर को लग्ने मिश्र दृष्टि बुध बुध लोचना, अर्थात लग्न स्थान में चंद्रमा सूर्य की युति हो एवं इन्हें शुभ तथा पापक ग्रह देखते हो तो बबल्स आइज यानी बुध बुध नेत्रता होती है। अब आती है बात वक्र नेत्रता की। वक्रोक्चितान्वित उतहानि वक्र रासो नष्टे रवो शशिनी कर्क गतेन्द्र भागे किम वक्रवेवा। कहते हैं कि वक्र नेत्रता यानी टेढ़े नेत्र ये योग कैसे होते हैं, तो शास्त्र में कहा गया कि विषमोदय राशि में यानी विषम राशि में सूर्य और चंद्र की युति हो अथवा अलग अलग बैठे हो और इन्हें पापक ग्रह देख रहे हो, अथवा द्वादश स्थान या षष्ठ स्थान में सूर्य और चंद्र युत हो तो जातक जन्मदिन का हो, ये चाहे जन्मदिन दिवस से ही सूर्य नष्टांश हो मंगल से दृष्ट या युत बनता हो तो उसमें जो है जातक को ये विकार उत्पन्न होता है। चंद्रमा का वही द्वितीय और द्वादश स्थान में जाना, पूर्ण बलि होना, पापक ग्रह हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो, द्वितीय से द्वादश से बलवान पाप ग्रह हो तो जातक में वक्र नेत्रता आती है। इसी प्रकार एक भेंगापन योग है, भेंगापन से ग्रसित रहता है जातक। किस स्थिति में? जातक तत्वाकार ने भी एक प्रमुख कारण बताया है। पुष्पवंती व सदृष्टो वक्रक्षगो व त्रिकेय वक्र नेत्र। किसी वक्री ग्रह की राशि में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो तथा इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो अथवा त्रिक स्थान में सूर्य चंद्र स्थित हो तो नेत्र में वक्रता उत्पन्न होती है। अब काणत्व की बात करते हैं। रोगे सर्वकल्पको नैज्यकाव्य दृष्टो यद्वा पश्योत्नात्मगेहे दृष्टि सनो साशुभो कुलीर रग सुगतो वनेय वधु भगो विक्षितो सा कंठीर अवस्थेन तपो गृहे से मृगाल जाली गते सकाणा होरास्तमिन्दुम किमलोई तागे पश्येत गुरु से दुसना सकाणा कुजक्षिते कर्कणिकाम गृहे। इसी क्रम में बताया गया है कि काणत्व कब प्राप्त होता है या इसके कौन से योग हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो इसी क्रम में कहते हैं कि यदि सूर्य और चंद्रमा बलहीन हो, अरिष्ट अनिष्ट भावों में 6 8 12 भावों में गए हो, मंगल शनि या राहु से दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में काणत्व उत्पन्न होता है, काणत्व दोष उत्पन्न होता है। आँख में चोट लगने से किसी भी दुर्घटना में जो है आप देखते होंगे कि प्रायः जो है लोगों के साथ दुर्घटना होती है तो काणत्व की प्राप्ति होती है। तो ये इस प्रकार के योग होते हैं काणत्व के। इसी प्रकार जातक शास्त्रों में अनेक योग हैं। सचिक कलेशे चरमे स्मरे वा काणो भवेद वाम विलोचने न काणोक्षितायु कलुक्षणे न मंद्र नेत्रम। इसी प्रकार दंपत्य में काण नेत्रता कैसे होती है? तो अरात्यपयातोर विभावो राशि भास्वतो स्त्रिया सहे कललोचन जने। यदि लग्न स्थान में षष्ठेश में मंगल हो परंतु गुरु और शुक्र से दृष्ट न हो अथवा द्वितीयेश और द्वादशेश अपने स्थान पर दृष्टि न रखते हो, स्वयं पापक ग्रह से युत हो तो स्वयं बलवान हो तो तब जो है कि एकाक्षी योग यानी एक आंख से काणत्व प्राप्त होता है। यदि सप्तम स्थान में मंगल स्थित हो तथा उसे कर्कगत सूर्य एवं सिंहगत चंद्र देखते हो, भाग्येश मकर मेष सिंह अथवा वृश्चिक राशि में स्थित हो तो जातक को काण नेत्रता एकाक्षी काणत्व दोष आता है। यदि लग्न स्थान में चंद्र अथवा मंगल स्थित हो
इस पर गुरु अथवा शुक्र की दृष्टि हो, अथवा यदि सप्तम स्थान में कर्कगत सूर्य हो और इसे मंगल देखता हो, सप्तम स्थान में सिंहगत चंद्र हो मंगल देखता हो, इन सब परिस्थितियों में कारणत्व दोष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से मंगल द्वादश स्थान में शुक्र के साथ स्थित हो, सूर्य चंद्रमा की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो जातक में कारणत्व होता है, कारणत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार जातक शास्त्रों में अनेक प्रकार के कारणत्व के योग दिए गए हैं। जातक की लग्न कुंडली में चंद्रमा मंगल की युति एवं जातक का जन्म शुक्ल पक्ष के दिन में हुआ हो, तो यदि नवम स्थान में सूर्य शनि और चंद्रमा की युति हो और इस सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो एवं जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की रात्रि में हो, तो जातक के वाम नेत्र में कारणत्व उत्पन्न होता है। इसी प्रकार के दक्षिण नेत्र में कारणत्व कब होगा? पाप ग्रह देख रहे हो, सूर्य को पापक ग्रह देख रहे हो, तो दक्षिण नेत्र में कारणत्व प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार षष्ठे चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो और उसे कोई शुभ ग्रह न देखता हो, तो जातक दक्षिण नेत्र में कारणत्व प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के योग दिए गए हैं। आंख का फूलना, तो वो योग क्या है? इसका जो है कि यदि द्वादश स्थान व सप्तम स्थान में चंद्रमा शुक्र से युत बना हो, तो वाम नेत्र में कारणत्व आता है, यानी आंख फूलती है, फूल आंख का फूल जाना, आंख आना भी कहते हैं जिसको। तो इस प्रकार के अनेक योग शास्त्र में दिए गए हैं। ये तो योगों की बात हो गई है कि सूर्य चंद्रमा और लग्न से द्वितीय द्वादश सप्तम स्थान, इस प्रकार से कैसे कैसे ये योग बने जिससे जो है नेत्र में विकलता उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि इसका समन कैसा हो, इसका उपाय क्या है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में रोग चिकित्सा की, ग्रह चिकित्सा की जो पद्धति है, मणि मंत्र औषधि दान और स्नान, ये विधियां बताई गई है। किस ग्रह के कारण रोग उत्पन्न हुआ है, किस काल में हुआ है, किस दशा में हुआ है, उसके माध्यम से उस ग्रह के तदनुरूप मणि मंत्र औषधि दान और स्नान को यदि हम इन विधियों को करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि सूर्य के कारण नेत्र दोष उत्पन्न हुआ है, तो सूर्य के मंत्रों का, सूर्य के रत्न का, सूर्य का जो बीज मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, इनका पुरस्सरण पूरा पद्धति है उसको करके, और माणिक्य यानी सूर्य का जो रत्न है उसको धारण करके, भगवान सूर्य की उपासना करके, अनेक प्रकार की विधियां हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी है, तो उस ग्रह की उपासना पूजा पाठ से दान स्नान से हम यदि करें तो वो रोग समन हो सकता है। इस प्रकार से ये ज्योतिषीय प्रविधि है। इसी क्रम में आगे नेत्र के जो और डिसीज हैं, आइज के जो और डिसीज हैं और साध्य हैं, असाध्य हैं, कई हम देखते हैं कि जन्मजात बीमारी होती है, कोई अकस्मात बीमारी होती है और कोई बीमारी ऐसी होती है कि जिसका कोई निदान ही नहीं है, तो वो नेत्र के ऐसे जो रोग हैं और ऐसे उनके जो ज्योतिषीय योग हैं वो किस प्रकार से हैं, हम आगे के वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आशा है कि आप लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।